शासन ने भले ही एक फरमान जारी किया है कि बच्चे अब निजी स्कूलों में भी निःशुल्क दाखिले पा सकेंगे। शासनादेश में निजी स्कूलों में निःशुल्क दाखिले की बात शहरी क्षेत्र के लिए भी है, लेकिन हरदोई में इसका उल्लंघन किया जा रहा है। इसके चलते अभिभावक अपने बच्चों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी आवाज बुलंद की। उनकी आवाज को बढ़ाने के लिए मैगसेस पुरस्कार विजेता डॉक्टर संदीप पांडे भी पहुंचे और कहा कि बच्चों का दाखिला जरूर हो। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शुरू हुए ऑनलाइन आवेदन हरदोई में भी किए गए थे। इसके तहत निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गरीब तबके के नौनिहाल निजी कॉन्वेंट स्कूलों में निःशुल्क पढ़ाई कर सकेंगे। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कॉन्वेंट स्कूलों में अलाभित व दुर्लभ वर्ग के बच्चों को कक्षा एक में कुल क्षमता 25% सीटों पर इन बच्चों का एडमिशन कराया जाना था। इन बच्चों से स्कूल की तरफ से कोई फीस नहीं ली जानी है, बल्कि पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। अभिभावकों का कहना है कि आवेदन कर दिए गए और लिस्ट तैयार कर जारी कर दी गई, लेकिन बीएसए की तरफ से लापरवाही बरती जा रही है, जिसके चलते निजी स्कूलों में एडमिशन लेने से इनकार किया जा रहा है। अलाभित समूह की श्रेणी में अनुसूचित जाति, जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग और निशक्त बच्चा एवं एचआईवी या कैंसर से पीड़ित माता पिता, अभिभावक का बच्चा व निराश्रित बेघर बच्चा रखा गया है। वही दुर्लभ वर्ग में जिसके माता पिता या संरक्षक गरीबी रेखा के नीचे, विकलांगता, वृद्धावस्था, विधवा पेंशन प्राप्त करते हैं, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख से कम है, इस तरह के लोग इसमें शामिल हैं। अभिभावकों का कहना है कि यदि बेसिक शिक्षा विभाग का आंकड़ा भी माना जाए तो 483 स्कूलों के सापेक्ष 7000 बच्चों का प्रवेश दिलवाया जाए, साथ ही 200 से अधिक बच्चों की लंबी सूची अविलंब जारी की जाए। साथ ही मांग की गई है कि शासन से आए पैसे को लैप्स कराने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। नहीं, हम पिछली बार भी जिलाधिकारी से 2 बार मिले, लेकिन मिलने के बाद भी जो यहाँ के बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। आपको मालूम है ये कुशीनगर से आए हैं, जहाँ एक कांड हुआ था जिसमें कुछ बच्चों की हत्या हो गई थी और वो ये इनके ऊपर आरोप भी लगे थे। इस तरह के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं जिनके ऊपर पहले से आरोप हैं, वो यहाँ पे शिक्षा के अधिकार अधिनियम को ठीक से लागू न करने के लिए जिम्मेदार है। अच्छा, तो इस आंदोलन को आप कहाँ तक ले जाएंगे? ये तो हम लोग का चल रहा है, 5 साल से ये संघर्ष चल रहा है। इसको लेके हम लोग न्यायालय भी गए हुए हैं, इलाहाबाद भी गए हैं और लखनऊ में भी हाईकोर्ट की बेंच में गए हैं। जिन बच्चों का दाखिला नहीं होता है उनको हम कोर्ट में ले जाके हम कोशिश करते हैं कि दाखिला हो, लेकिन कोर्ट से भी कोई खास सुनवाई नहीं हो रही है। 2015-16 में 13 बच्चों के दाखिले का आदेश लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, जो लखनऊ ही नहीं इस प्रदेश का सबसे बड़ा निजी स्कूल है, उसमें दाखिले का आदेश आया था, लेकिन 16-17, 17-18 के जो मामले हैं वो अभी तक लंबित हैं न्यायालय में। ये वो गरीब बच्चे हैं जिनके शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों में, शहर के या अन्य नगर पालिका परिषद के विद्यालयों में, प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन होना है, जिनको कि बीएसए विभाग की लापरवाही के चलते इस बार भी सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, और 200 बच्चों की लंबित पिछले वर्ष की सूची को अभी तक जारी नहीं किया गया है। साथ ही विद्यालयों को मैप ही नहीं किया गया है, साइट पे शो ही नहीं किया गया है, जिससे सैकड़ों बच्चे, गरीब बच्चे वंचित रह गए हैं शहर के अच्छे स्कूलों में प्रवेश पाने से। अच्छा, तो अगर यहाँ सुनवाई नहीं होती तो फिर इसके बाद आपका क्या? निश्चित रूप से हम लोग जो है लखनऊ में अपनी बात को रखेंगे और उन तक अपनी बात पहुँचाएंगे, लखनऊ के प्रशासन तक अपनी बात हम लोग रखने जाएंगे। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।